कैसी लगे है वो तो देख जगे को श्याम, देख जगे को श्याम दिल हर साया है, बंसी बारो श्याम घूम के आया है। योग माया ने जो जगह बनाई, कन्हैया ने उस जगह को देखा है, बड़ी रमणीक जगह है। उसके बाद में भगवान ने उस जगह पे, अरे सारे जीवन बड़ाई की जाए, कैसी है वो जगह। कन्हैया ने उस जगह को देखा है तो बंसी बजाई, और कैसी बंसी बजाई भगवान ने, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई। जब गोपियन के कान में बंसी की आवाज आई तो गोपियां भागी, जो गोपी जैसी बैठी रहे वैसी भाटाड़ी भाई। कोई तो गोपी मतलब जैसे बैठी थी गोपियां वैसे ही भागी, जैसे गोपियां बैठी थी वैसे ही गोपियां भागी। ऐसी बंसी बजाई कन्हैया ने, कैसी बंसी बजाई कि श्याम ऐसी बजाए दई, हर बसुरिया रे हो श्याम ऐसी बजाए दई, अरे महाराज जी प्रसाद लेना इधर आओ महाराज जी। कैसी बंसी बजाई, जो गोपी श्रृंगार कर रही थी जैसी बैठी वैसी भागी। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही भाई, दूसरी आंख का ध्यान नहीं, एक में काजल लगाओ भाग खड़ी भाई। कोई गोपी खाना बना रही बने, एक हाथ में रोटी नहीं दूसरी को ध्यान नहीं भागी। और कोई गोपी लालना को पालना में सुलाए जा रही बने, पालना में छोड़ो लाला जमीन पे करो वो तो भागी। और कोई गोपी स्नान करवे के बाद लेगा पहन गई, बाने सोची कमरे आई गई, बाने गर्दन में चार पांच गांठे लगाई और बाजी क्या दशा बन। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के होठ में सरमाल बिस्किट रोशन में, थोड़ी से दे ली कौने, थोड़ी से दे ली कुलिया में श्याम ऐसी बताए दई, वो कुलिया में श्याम ऐसी बताए दई। ऐसी बंसी बजाई और बंसी की धुन सुन के गोपियां भागी, जा कन्हैया गोपियों के लिए बंसी बजा रहे। जब गोपियां कन्हैया के करीब गईं और जवाब दिया ऐ श्याम मेरे साथ महाराज करो, कन्हैया बोले माफ करना आज नहीं फिर कभी आना। गोपियां विनती करने लगी हैं तो गोपियों के विनती करने पे भगवान श्याम ने महाराज किया। जो गोपी जैसी थी कन्हैया वैसी ही बने,
जो गोपी छोटी रह बाकेले छोटे बने, जो मोटी रह बाकेले मोटे बने, मतलब जो गोपी जैसी रह कन्हैया वो गोपी के लिए वैसे ही बने। और इधर शंकर जी की पत्नी गिरजा कैलाश पर्वत से चली महाराज देखने के लिए, तो भगवान शंकर जी बोले पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती बोली वृंदावन में महाराज देख रहे। कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे हैं, कहां जा रही हो? शंकर जी बोले हम भी चलेंगे। पार्वती बोली कैसे चलोगे, वहां तो केवल स्त्रियां जाती पुरुष नहीं जाते। शंकर जी बोले गिरजा ऐसा करो तुम हमें जनाना बनाओ तब तो चले जाएंगे। शंकर जी जनाने बने हैं, जनाने बने शंकर जी। शंकर जी जनाने बन के चले हैं और जिस समय ये वृंदावन में पहुंचे हैं, आगे आगे पार्वती जी हैं, पीछे शंकर जी हैं, लंबा घूंघट मारे जहां महाराज हो रहा है, एक गोपी ने खड़ा कर लिया। पार्वती से कहा कहां से आई हो? जवाब दिया कैलाश पर्वत से। अच्छा जाओ जाओ आगे चली गई, पीछे शंकर जी ये खड़ा कर लिया, चेहरा दिखाओ। अब शंकर जी खड़े रह गए, चेहरा कैसे दिखाए, लंबा सा घूंघट मारे है। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा तो लौट आई। गोपी कहने लगी पार्वती जी ये तुम्हारे साथ में आई, तुम्हें इनका परिचय बताओ कौन है ये? तो पार्वती बहाना बना के बोली सुनो ये कौन है जो मेरे पुत्र गणेश है ना, कि मेरे गणपति की जब हुरिया। पार्वती झूठ बोली, अरे मेरे गणपति की बहुरिया और मानरी सखी। गोपी बोली गणेश की शादी हो गई, बोली अबे की कुल दिन हो गए शादी में, तो गोपी बोली ऐसा करो चेहरा दिखाई दे, तब तो तुमने शादी कर ली ना बुलाओ, अब आए गई हो तो चेहरा तो दिखाए ना, गणेश की बहू को मोह जरूर देखे। पार्वती सोच लगी अब का है, फिर बोली अच्छा आज तुम्हारे द्वार पे आएगी ता से चेहरा दिखाओ, नहीं चेहरा देखना हो तो कैलाश पर्वत पे आना वहीं दिखाऊंगी चेहरा। शंकर जी का हाथ पकड़ा, झटका मारा, अंदर लिए चली गई। और जो शंकर जी ने थोड़ो सो घूंघट खोल के देखो, सोचन लगे बारे करिया तो मैं बड़े गुण भरे, ऐसा लगता है शंकर जी विचार करते, अरे कारे कारे
भगवान शंकर जी विचार करते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कन्हैया गोपियों के बीच अकेला नाचता है। अंत में भगवान शंकर ने साड़ी उतार के फेंक दी है, साड़ी धरी उतार के तब पार्वती हैरान, नाचे गोपिन संग में बे गोपेश्वर भगवान। तब इनकी पहचान हो गई और अंत में हंसी खुशी से महाराज संपन्न हुआ है। भगवान शंकर गिरजा मैया के साथ में कैलाश पर्वत पे चले आए, देवताओं की देवियां अपने लोक में आई हैं और कन्हैया गोपियों के साथ वृंदावन चले आए। महाराज की कथा ऐसी नहीं होती है वो जल्दी समझी जाए। सच्चा महाराज उसे कहा जाता है, जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होता है उसे सच्चा महाराज कहा जाता है।